जेएनयू में वामपंथियों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के चलते लाल कुआं में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विद्यार्थी परिषद ने छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले वामपंथी छात्रों के रूप छात्र विरोधी गतिविधियां संचालित करने का आरोप लगाया। इसके बाद गुस्साए छात्रों ने वामपंथियों का पुतला जलाया। बताते चले कि जेएनयू में पुलिस लाठी चार्ज पर वामपंथी छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन एवं विरोध किया जा रहा है, जिसके जवाब में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की लालकुआ इकाई ने वामपंथी छात्रों का विरोध करते हुए उन्हें छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला बताया। थिंक इंडिया आयाम के प्रदेश सह संयोजक मनीष राय ने कहा कि विरोधी नीति नए प्रोपेगंडे करके नए छात्रों का रजिस्ट्रेशन होने से भी रोक रहे हैं और उनकी पढ़ाई में बाधा डाल रहे हैं। हम ऐसे राष्ट्र विरोधी वामपंथी लोगों का विरोध करते हैं। लाल कुआं उत्तराखंड से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। इसमें 13 और 14 यानी लोहड़ी और मकर संक्रांति के दिन का कार्यक्रम उत्तरायणी का कार्यक्रम किया जा रहा है, शाम के समय रखा जाएगा। हर साल यहाँ मनाया जाता है, आसपास क्षेत्र के काफ़ी लोग यहाँ हमारे यहाँ आते हैं और उत्तरायणी मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण लग जाता है। प्रकाशमान मार्ग, ज्ञान मार्ग, और ऐसे में कोई आत्मा शरीर पूरा करती है, उत्तरायण में जिनका शरीर पूरा होता है संसार में वापस आना पड़ता है, और उत्तरायण से ज्ञान मार्ग से जाते हैं वो प्रकाश मार्ग से होते हुए सूर्य मार्ग से होते हुए आगे की यात्रा करते हैं जो आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ पर लालकुआं थाने के सामने में वामपंथी का पुतला दहन किया, इसलिए क्योंकि जेएनयू में जो नए नए छात्र आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उनको वहाँ पे मारा जा रहा है, पत्थरों से मारा जा रहा है, अंधाधुंध तरीकों से मारा जा रहा है, और साथ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो जो छात्र कार्यकर्ता लगे हुए हैं वहाँ उन छात्रों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उनको रोका जा रहा है। तो हम यहाँ से आज ये आह्वान कर देना चाहते हैं कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और छात्रों को हम सिर्फ मार सकते हैं वामपंथी वाले, लेकिन उनका साहस नहीं तोड़ सकते हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लालकुआं इकाई आज इसी को लेते हुए दिल्ली पुलिस प्रशासन से अपील करना चाहती है कि वहाँ पे उन वामपंथियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि वहाँ पर ऐसा भविष्य में होने के लिए एक बार भी कोई भी सोचे कि जो छात्रों के बीच में पढ़ाई हो रही है उसको सुचारू रूप से नहीं चलने दे रहे हैं। भारत में हर साल उत्तरायणी का कार्यक्रम यह होता मकर संक्रांति का, तो अब की साल हमने 2 दिवसीय कार्यक्रम किया है, 13 और 14 जनवरी का लोहड़ी का भी और मकर संक्रांति का भी कार्यक्रम किया है और हर साल किया जाता है। ये हंस प्रेम योग आश्रम के अंदर सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज की मानव उत्थान सेवा समिति संस्था है। इस संस्था के माध्यम से सारी दुनिया के अंदर, सारे संसार के अंदर हमारे आश्रम मानव उत्थान सेवा समिति के श्री सतपाल जी महाराज के, और यहाँ हर वर्ष किया जाता है ये कार्यक्रम। और मकसद यही है इस कार्यक्रम का कि हम सबके मन के अंदर, हमारे दिल के अंदर वो अध्यात्म आए। उत्तरायणी का मतलब यही है कि हम उत्तर की तरफ चलें, हमारा मन दक्षिण की तरफ न जाए। उत्तर और दक्षिण का मतलब यही है कि उत्तर की तरफ चलेंगे तो हमें समाधान मिलेंगे और दक्षिण की तरफ तो प्रश्न ही प्रश्न है। तो हमारे संतों ने, हमारे ज्ञानियों ने, हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने यही बताया है कि मनुष्य जो है उत्तर काल की तरफ, प्रकाश की तरफ चले। अस्तो माँ सदगमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्योर माँ अमृतम गमे, ये हमारे शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने ये परंपरा रखी। और आज भी सतपाल जी महाराज इस कार्यक्रम को सारी दुनिया के अंदर चला रहे हैं, ज्ञान के कार्यक्रम को, सद्भावना के कार्यक्रम को, प्रेम भाईचारा एकता हम में सब में स्थापित हो। तो प्रेम और भाईचारा एकता हमारे अंदर स्थापित कैसे होगी? एकता स्थापित जब होगी जब हमारे अंदर उस एक ईश्वर को, एक परमात्मा को जो सारी सृष्टि का एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका एक परमात्मा है, एक ही सबके अंदर प्राण है और वो प्राण विद्या सनातन विद्या है। तमाम लोग सड़कों पर आए हैं और अभी ये क्रम जारी है। आज उन लोगों को जो कभी कहते हैं कि चौकीदार चोर है, जो कभी कहते थे कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा,
इस तरह की नरगल बातें जो लोग कर रहे थे, आज वो फिर प्रधानमंत्री जी के इन 6 महीनों में जो बोल्ड डिसीजन उन्होंने लिए हैं, चाहे अयोध्या से संबंधित हो, चाहे 370 से संबंधित हो, या फिर 3 तलाक से संबंधित जो संशोधन उन्होंने किए हैं, आज नागरिकता संशोधन अधिनियम पारण हुआ है, उससे बौखला करके और तरह तरह की अनर्गल बातें समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ, ये वही कांग्रेस है जो ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1885 में बनाई थी देश पर राज करने के लिए, और राज करने का उन्होंने एक ही तरीका निकाला था कि समाज को तोड़ो, समाज को विभाजित करो और राज करो। आज वही काम कांग्रेस और तमाम तथाकथित जो प्रगतिशील कहते हैं, जो वामपंथी कहते हैं, वो तमाम दल मिलकर आज वही काम सर। जेएनयू प्रकरण में क्या कहेंगे सर? जेएनयू प्रकरण में क्या कहेंगे? सवाल, आपने पूर्व प्रधानमंत्री को कमजोर और बुजदिल बताया, क्या कमजोर? निश्चित रूप से मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि उनको 3 तलाक जैसा अमानवीय कृत्य को, असामाजिक कृत्य को, जिसको मुस्लिम देशों ने ठुकरा दिया है, उसको उन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया, उसके लिए ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कोई कमजोर आदमी ही कर सकता है। सर जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज, राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।